इवेंट हो चुका है, आपने उसके स्पेक वगैरह प्राइसिंग वगैरह देख ली होगी, पर हम तो फोन वगैरह तो आप देख लेते, बाकी यूट्यूबर चैनल पे हम आपको दिखाएंगे कि वन प्लस के इवेंट में गुडीज क्या मिलती है, या कोई भी कम्युनिटी मेंबर वन प्लस का इवेंट अटेंड करता तो क्या क्या मिलता बेसिकली। और उसका चार्ज या जो इसकी अमाउंट थी, एंट्री अमाउंट सिर्फ 1 रुपये थी, और हमने 2 रुपये इन्वेस्ट किए और हमें 2 गुडीज बैग मिले। और दो बताने का कुछ सीन तो होता नहीं है, क्योंकि दोनों में जो मिली, जो आइटम वगैरह मिली वो सेम है, तो मैं एक बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा दूसरे में भी वही है। तो भी अनबॉक्सिंग करते, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और कुछ थॉट वगैरह हो तो कमेंट में डाल सकते हैं, और अच्छी ज़्यादा ही लगे तो फैला भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह कोई इवेंट वगैरह होता है या कुछ मेरी ट्रैवल ट्रिप भी होती है तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। आई होप कि कंटेंट काफ़ी टाइम टाइम टू बाद आता है, तो वो मेरी एक मिस्टेक है, थोड़े टाइम बाद मैं रेगुलर होने की कोशिश करूँगा। पर अभी आप गुडीज़ की अनबॉक्सिंग देखी, ये हमारे 5 के करीब तो वाटर बॉटल हो गए वन प्लस की, और दो हमारे पास बैग है वन प्लस के गुडीज़ के बैग, और वो वाले में सेम है, तो बट वो उसको मतलब जो ओपन करके कोई सीन तो होता नहीं है, तो इसी की मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको पता चल जाएगा दोनों में सेम है। और आप सोच रहे होंगे कि मुझे दो कैसे मिले, तो हमारे वन प्लस के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है, और काफ़ी लंबे टाइम से हम उनके ओपन ईयर फॉर्म हो गया या कुछ कम्युनिटी गपशप हो गई या कम्युनिटी की मीटिंग वगैरह हो गई तो हम अटेंड करते रहते, तो हमारे कुछ ऐसे ही हमारे वन प्लस के साथ पर्सनल राज है, तो उससे उन्होंने खुश होके हमें दो बेसिकली दे दिए गुडीज़, तो अनबॉक्सिंग करते, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करते। और 5 तो वाटर बॉटल हो गई जो सबको वन प्लस का जो मेंबर होता है उनको पसंद आती है, और एक हमारे पास आ जाता है वन प्लस का जो सामान रखने का बैकपैक, और काफ़ी अच्छे मटेरियल से बना है और काफ़ी मतलब सॉलिड क्वालिटी है, तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा वजन वाले भी आइटम कैरी कर सकते हैं, अगर आपके पास हो तो यूज़ कर सकते हैं। एक ये हो जाता है, दूसरा हो जाता है वन प्लस का बुलेट वायरलेस Z2, और काफ़ी शानदार ये भी नेक बैंड है या जो ईयर बैंड है, और इसकी जो लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइसिंग काफ़ी अच्छी रखी, तो तब इसका कोई कंप्यूटर अवेलेबल नहीं था तो काफ़ी अच्छा चला था, और इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी ज़बरदस्त है। मैंने 5000 वाले वन प्लस बुलेट वायरलेस 2 भी यूज़ किए, Z2 भी मैंने यूज़ किए, और इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा आप रियलमी या जो ओप्पो एक्को भी आती है सीरीज वो भी काफ़ी अच्छी है, पर आई होप कि आप वन प्लस की तरफ जाए, क्योंकि इसका बैटरी बैकअप दूसरों का कंपेरिजन में काफ़ी ज़बरदस्त है, और यहाँ पर इसकी प्राइस मेंशन की है 2299 यानी 2300 रुपये, और आपको ऑनलाइन या डिस्काउंट वगैरह में 1700-1800 रुपये में मिल जाएंगे। फिर आ जाती है वन प्लस की नेवर सेटल के कैप, और काफ़ी क्वालिटी भी अच्छी है, पीछे भी ब्रांडिंग दी हुई है, और जो वन प्लस की जो ऑफिशियल साइट पे मिलती है तो वो काफ़ी महंगी होती है, और ये भी काफ़ी सॉलिड है, और मुझे इसकी नीड थी और मुझे मिल गई। ये है नॉट स्पॉन्सर वीडियो, तो इसको इग्नोर कीजिए। फिर हमारे पास आ जाता है एक कम्युनिटी का एंट्री कार्ड, और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए, और 70 मैंने अटेंड कर लिया, फिर 7 प्रो अटेंड कर लिया, फिर मैंने पता नहीं कितने अटेंड किए, मुझे खुद को याद नहीं, हाँ 60 अटेंड कर लिया मैंने। ये भी काफ़ी यूनिक सी ये गुड़ीज है, ये आइटम है, ऐसे कम्युनिटी मेंबर को देता तब भी तो अटैच रहते, मतलब बाकी रियलमी वगैरह भी करते पर इतने बड़े लेवल पे नहीं करते, तो आई होप कि ओप्पो वन प्लस से सीखना चाहिए, और ये 3 साल या 2 साल बाद ये इवेंट वापस हो रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से सारे इवेंट फिर वर्चुअली होते थे, और इसकी फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और बेसिकली इसकी नीड थी, मुझे सबकी नीड थी, जो आइटम ये वन प्लस वाले दे रहे थे शायद मुझे लगता है कि मैंने पूछा नहीं, फिर भी इनको कैसे पता। और एक आ जाता है टी शर्ट वगैरह, टी शर्ट का जो वन प्लस का हुक हो गया, लोगो हो गया, बेज हो गया, पहले वन प्लस 3-4 देता था, वो भी थोड़ा इसमें कंजूस हो गया, अब एक ही देता है, थैंक्स लॉट देता तो है। और क्या निकल के आता है, वेट वेट गाइस, वेट वेट गाइस, हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये हमें 1000 रुपीज़ का वाउचर कूपन मिलता है, यहाँ से स्क्रैच करेंगे तो ये कोड हम वन प्लस की साइट पे अवेल कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया बात है कि जो हम मैंने पास्ट में इवेंट अटेंड किया था उसकी सबसे
दिक्कत ये थी कि मुझे 500 या 1000 रुपये का जो इनवाइट कूपन मिला था, तो वो वुधरी जहाँ पर मैंने इवेंट अटेंड किया था वहाँ पे ही वन प्लस की जो स्टोर थी वहाँ पर अवेल कर सकते। पर ये वाला सिस्टम ठीक है, आप कोई भी वन प्लस के एप्लीकेशन से या वन प्लस की जो स्टोर है वहाँ से, मतलब ऑनलाइन स्टोर है या जो ऑनलाइन ऐप स्टोर है इसके वन प्लस की, वहाँ से परचेज करोगे तो 1000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो काफ़ी मुझे लिटरली पसंद आया। और क्या है, हाँ और ये बॉक्स है जो मैंने खुद वहाँ पे अनबॉक्स नहीं किया था और मुझे काफ़ी चुल मची हुई थी अनबॉक्स करने की, पर मैं इसको फाड़ना भी नहीं चाहता था, काफ़ी केयरफुली तरीके से इसको अनबॉक्स करना चाहता था। तब आपको सामने अनबॉक्स कर लेते, 1 2 3 4 एंड अनबॉक्स। मुझे पहले लगा था ये गूगल का होम पॉड डुओ होगा, फिर पता चला डॉक्टर मग है। और काफ़ी क्वालिटी प्रीमियर वन प्लस ने अबकी बार नहीं, खर्चा तो करता है, एक बार 10,000 की गुड़ीज दे दी थी उसने, उसके बाद 5,000 से नीचे तो काम करते ही नहीं है। तो अब भी मान लो कि ये 2,000 का ये हो गया, 1000 रुपये के वो हो गया, तो मतलब पैसे मैटर नहीं करते, मतलब कम्युनिटी से कैसे जुड़े हुए हैं आप और कम्युनिटी को आप कितनी मतलब प्रोवाइड वगैरह करते, तो वो भी मैटर करता है। और दिखने में मुझे पहले होम पॉड लग रहा था, पर अभी कॉफी मग लग रहा है, और मैं वैसे भी कॉफी का शौकीन ही हूँ, तो मेरे लिए तो ये 100% काम आएगा। तो बेसिकली मुझे लगता है कि वन प्लस ने शायद मेरे सपने में आके तो सब जाना नहीं कि इनको भाई साहब को क्या क्या जरूरत थी, और बेसिकली इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और नीचे से इसका साइड मैग्नेटिक मटेरियल जो आप किसी भी सरफेस पे रखेंगे तो आसानी से मूव करेगा नहीं, ये देख सकते हैं, इसको फिर घुमाना पड़ेगा, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी इनकी। तो ये होगी हमारी वन प्लस की गुड़ीज की अनबॉक्सिंग, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मैं नाइट को शूट कर रहा हूँ और अभी मैं वाईफाई से डाल दूंगा, तो आई होप कंटेंट पसंद आया होगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। मिलेंगे इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट्स के साथ, कोशिश करेंगे रेगुलर होने की। और अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है, दूसरे भी मेरे जो काम हो जाते हैं तो उसकी वजह से टाइम नहीं दे पाता, आएंगे सेटल होने के बाद यूट्यूब पे पूरी तरीके से। तब तक के जय हिंद जय भारत, ख्याल रखिए अपना, और बी प्रोटेक्ट योर सेल्फ टू अदर डिजीज। ओके बाय। I'm just being honest, you haven't earned this. Ain't even worth it.